हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई पेड़ के सुनहरे लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई पेड़ के सुनहरे लहंगे की कहानी। बहुत समय पहले काशीपुर नाम के गांव में कल्याणी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। कल्याणी के पिताजी गांव के मंदिर में पुजारी थे। कल्याणी बहुत खूबसूरत और गुणवान थी, इस वजह से सभी लोगों से बहुत पसंद करते थे। फिर एक दिन सरपंच का बेटा सुधाकर अपने पिताजी के साथ कल्याणी के घर उसका हाथ मांगने पहुंच जाता है। लेकिन कल्याणी के पिताजी सुधाकर के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वो एक नंबर का आवारा और बदतमीज लड़का था, इसीलिए वो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कराने से इनकार कर देते हैं। इस बात से सरपंच का बेटा सुधाकर आग बबूला हो जाता है और कल्याणी के पिता को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। फिर एक रात सुधाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांव के मंदिर में चोरी कर लेता है और उसका सारा इल्जाम कल्याणी के पिताजी पर डाल देता है। गांव वालों को यकीन दिलाने के लिए सुधाकर मंदिर के कुछ गहने कल्याणी के घर के छत पर फेंक देता है। तलाशी के दौरान वो सारे गहने गांव वालों को मिल जाते हैं। ओ पुजारी जी, हम तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन तुमने गांव के मंदिर में चोरी करके बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं नहीं भाइयों, मेरा यकीन करो, मैंने मंदिर में चोरी नहीं की, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। गांव वालों, इस लालची और धोखेबाज आदमी की बात पर यकीन मत करना। मैं कहता हूँ, इससे गांव में रखना हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे इसी वक्त यहाँ से भगा दिया जाए। फिर सभी गांव वाले सुधाकर की बातों में आ जाते हैं और कल्याणी के घर में आग लगाकर कल्याणी और उसके पिता को उसके परिवार के साथ बेदखल कर देते हैं। बेचारे कल्याणी अपने माता पिता के साथ रोती हुई गांव छोड़कर चली जाती है। उसके बाद तीनों पास वाली पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ अचानक हुई इस घटना से कल्याणी के माता पिता को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो दोनों बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। कल्याणी रोज जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है और बदले में मिलने वाले पैसों से अपने माता पिता का इलाज करवाने लगती है। इस तरह एक दिन कल्याणी जंगल में लकड़ियां काटने जाती है कि तभी उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। कल्याणी कुल्हाड़ी से उस पेड़ के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक वो पेड़ बोल पड़ता है। नहीं बेटी, मुझे मत काटो, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। अरे, ये पेड़ तो बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ओ बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, बाकी पेड़ों से बहुत अलग हूँ। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें एक बहुत ही खास चीज दूंगा, जिसकी मदद से तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद वो जादुई पेड़ कल्याणी को वहां पास में गड्ढा खोदने के लिए कहता है। पेड़ की बात मानकर कल्याणी जमीन में गड्ढा खोदने लगती है, तभी उसे एक बक्सा दिखाई देता है। कल्याणी जैसे ही उस बक्से को खोलती है कि तभी उसे एक चमकदार सुनहरा लहंगा दिखाई देता है। बेटी, ये एक जादुई लहंगा है। कई सौ सालों पहले यहाँ एक जादूगरनी रहती थी, ये उसी जादूगरनी का लहंगा है। तुम इस लहंगे को पहन लो, ये लहंगा तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। ये सुनकर कल्याणी खुश हो जाती है और उस जादुई लहंगे को पहन लेती है। फिर अगले पल कल्याणी सर के ऊपर बादल आ जाते हैं और उन बादलों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा। ये जादुई लहंगा रोज इसी तरह 5 मिनट के लिए तुम्हारे ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश किया करेगा। अब तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ और सुकून से अपनी जिंदगी जियो। फिर उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देकर कल्याणी अपने घर चली जाती है।
अगले दिन से रोज 5 मिनट के लिए कल्याणी के सर पर बादल आ जाते हैं और उनसे सोने के सिक्कों की बारिश होती है। इस तरह कुछ ही दिनों में कल्याणी ढेर सारे सोने के सिक्के इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद वो उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक बहुत ही सुंदर घर तैयार करवा लेती है और अपने माता पिता के साथ वहाँ मजे से रहने लगती है। दूसरी तरफ कल्याणी रोज गरीब और मजबूर लोगों में पैसे बांटकर उनकी मदद करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूरे इलाके में कल्याणी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। फिर एक दिन सरपंच का बेटा सुधाकर कल्याणी को लोगों के बीच पैसे बांटते हुए देख लेता है। ये देख सुधाकर हैरत में पड़ जाता है। उसके बाद सुधाकर कल्याणी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। अच्छा तो ये बात है, ये जादुई लहंगा रोज इसके ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश करता है। अब मुझे किसी भी तरह इस जादुई लहंगे को हासिल करना होगा, उसके बाद मैं इस इलाके में सबसे अमीर बन जाऊंगा। फिर अगले दिन सुधाकर अपने कुछ आदमियों को लेकर कल्याणी के घर पहुंच जाता है और उससे उसके जादुई लहंगा मांगने लगता है। सुधाकर के आदमी कल्याणी के माता पिता की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। अगर तुझे अपने माता पिता की जान प्यारी है तो जादुई लहंगा मेरे हवाले कर दे, वरना मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा। ये सुनकर कल्याणी घबरा जाती है और अपना जादुई लहंगा सुधाकर को दे देती है। सुधाकर उसी वक्त जादुई लहंगे को पहन लेता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ ढेर सारे काले काले बादल आ जाते हैं और सुधाकर के साथ साथ उसके आदमियों के ऊपर आग की बारिश होने लगती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, ये जादुई लहंगा तो मुझे जलाकर मारना चाहता है, बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो। सुधाकर और उसके आदमी जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाने के लिए सुधाकर जादुई लहंगे को उतार कर फेंक देता है। ओ कल्याणी मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। इस तरह सुधाकर अपने आदमियों के साथ दम दबाकर वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद से कल्याणी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई पेड़ के सुनहरे लहंगों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अच्छे लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।